नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम ये जानने और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या किडनी फेलियर के कोई अर्ली सिम्टम्स हैं। अगर अर्ली सिम्टम्स की मदद से पहचान कर ली जाए तो क्या किडनी फेलियर को रोका जा सकता है। और ये चीज़ें समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर संतोष कुमार, जो कि पारस HMRI पटना में किडनी रोगों के विशेषज्ञ हैं। साथ ही साथ डॉक्टर साहिब को आप पहले भी हमारे चैनल पर कई बार देख चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, किडनी फेलियर अक्सर लास्ट स्टेज पर ही आइडेंटिफाई किया जाता है। ऐसे में आज मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे लक्षण बताएं जिनकी मदद से किडनी फेलियर की पहचान अर्ली स्टेज में की जा सके। किडनी बीमारी की यही समस्या है कि अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है अर्ली डिटेक्शन। जनरली लास्ट स्टेज में ही पता चलता है, या फिर सीरम मतलब ब्लड पैरामीटर्स इतने हाई हो जाते हैं उसके बाद ही पता चलता है। फिर भी कुछ कुछ लक्षण हैं जिनसे हम लोग पता कर सकते हैं कि कैसे पता चले। एक तो अगर पेशेंट को भूख नहीं लगे, कमजोरी, बहुत दिन से कमजोरी है, तो ये सब के कारण, जैसे हीमोग्लोबिन आपका कम हो जाए। किडनी के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे खून साफ करना, वाटर रेगुलेशन, एसिड बेस रेगुलेशन और हीमोग्लोबिन बनाना। इसलिए कमजोरी होने लग जाएगी, अब भूख नहीं लगेगा, अब बार बार उल्टी जैसा मन होगा, पैरों हाथों में सूजन हो गया। जैसे एक बहुत ही अर्ली सिम्टम है कि सुबह उठते ही चेहरा पूरा सूजा हुआ होगा, ये सब सिम्टम है। इसके कारण हम लोग सोच सकते हैं कि किडनी की बीमारी हो सकती है। पता करने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं। दो टेस्ट करना जरूरी है, एक सीरम क्रिएटिनिन, इससे पता चल जाएगा किडनी का फंक्शन कैसा है। दूसरा यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, बहुत ही सिंपल टेस्ट है और बहुत ही सस्ता है, आपके 100-150 रुपए में काम हो जाएंगे। क्रिएटिनिन और यूरिन रूटीन, इससे पता चल जाएगा कि आपका किडनी कैसे काम कर रही है। उसके बाद जो फर्दर टेस्ट है वो हम लोग उसके हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये लोगों के मन में बहुत बड़ा सवाल रहता है कि अगर किडनी फेलियर को डिटेक्ट कर लिया गया एक पॉइंट पहुंचने के बाद, तो क्या उसे वहीं पर रोका जा सकता है, या फिर जब तक किडनी पूरी तरीके से ख़राब नहीं हो जाएगी वो चीज़ रुकेगी नहीं। पहले तो है प्रिवेंशन, हम लोग ऐसा क्या करें कि जिसके कारण हमको किडनी की प्रॉब्लम नहीं हो। तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं, अगर कोई डायबिटीज़ के मरीज हों तो अच्छा से गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर रखें, ब्लड हाइपरटेंशन के मरीज हों तो गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर रखें। थर्ड, आपके खाने पीने में ध्यान दें, रेगुलर आधे घंटे एक्सरसाइज करें, हाइड्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, अच्छे से पानी पिएं, कम से कम 2-2.5 लीटर पर डे पानी पिएं। ये सब करने से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हो जाए तो जिस कारण से हो, एक जनरली किडनी की प्रॉब्लम दो टाइप की होती है, एक एक्यूट प्रॉब्लम, एक क्रोनिक प्रॉब्लम। एक्यूट प्रॉब्लम है तो आप जल्दी किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के अंडर जाएं, जिसके कारण किडनी की जो भी समस्या होगी वो जल्दी ठीक हो सकती है, जनरली 100% रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर किसी को CKD हो जाए तो जनरली ये बीमारी स्लोली प्रोग्रेस करती है, जिसको हम लोग गुड कंट्रोल कर सकते हैं बट रोका नहीं जा सकता है। जिसको हम लोग कोशिश करेंगे दवाओं से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, इसको रोका जाए या स्लो किया जाए। जी डॉक्टर साहब, अक्सर जैसे ही लोग किडनी की बीमारी सुनते हैं तो तरह तरह की दवाइयों के फेरे में पड़ जाते हैं, ये दवाई वो दवाई, कई लोग नीम हकीम के चक्कर में भी पड़ जाते हैं, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जनरली किडनी को फर्दर आप कुछ डैमेज नहीं करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक पेन किलर्स, ये बहुत ही घातक दवाई हैं जो हम लोग ओवर द काउंटर, मतलब गए प्रिस्क्रिप्शन, बिना प्रिस्क्रिप्शन के गए कुछ दवाई ले लिए, शरीर में दर्द कर रहा है कुछ दवा ले लिए, ये दवा बहुत ही नुकसानदेह होती है और किडनी के लिए बहुत ही घातक होती है। इनको बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लें। जी उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। और ये बात याद रखना बेहद ज़रूरी है कि बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई भी दवाई ऐसे ही ना ले, नहीं तो आपकी बीमारी और ज़्यादा गंभीर रूप ले सकती है, आपके लिए और ज़्यादा घातक साबित हो सकती है। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।